हेलो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में मैं दिखाई थी कि मैं प्रॉन्स कैसे कल कहाँ से लेके आई थी। आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया उसको। तो आप चलिए देखते हैं कैसे बना। कभी नहीं देखे, बाप रे, पता नहीं लॉबस्टर है कि प्रॉन्स है, भगवान जाने क्या है। ओह माय गॉड, बनेगा कैसे? सो डेंजर। कितना मस्त प्रॉन है आप देखो, छीलने के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ऐसा। इतना बड़ा बड़ा प्रॉन मैं तो लाइफ में नहीं देखी हूँ, इतना बड़ा प्रॉन। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मेरे पापा अगर अभी रहते तो बहुत खुश हो जाते, क्योंकि मेरे पापा बहुत शौकीन है खाने पीने का, मेरे भाई लोग। छीलने के बाद ऐसा बिल्कुल मुंह निकला, कितना डेंजर लग रहा है, कितना गंदा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। कितना बड़ा बड़ा मूछा है इसका, मूछ देखो। अब मुझे लग रहा है सच में कि आदमी जानवर होता है कुछ भी खाता है। ये और धोने के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया है, व्हाइट व्हाइट लग रहा है, लेकिन बहुत कम हो जाता है क्वांटिटी। जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा रहता नहीं है। नॉर्मल फिश बनाते हैं ना, जिसो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, फिर से नमक दूंगी, शायद बड़े बड़े हैं इसलिए कम हो जाए। और ये हो गया काली मिर्च, अब इसको मैश कर देंगे नॉर्मल फिश की तरह, मछली जैसे फ्राई मछली बनती है ना वैसे ही। फिर इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके छोड़ देते हैं, 15 मिनट्स आई थिंक। फिर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और टेस्ट आता है, अच्छे से मैरिनेट कर दो। अब देखो मैं इसको डाल रही हूँ। देखो फ्राई होने के बाद कैसा हो गया, और इसको गरम गरम निकाल रहे हैं खाने के लिए। आप इसमें ग्रेवी भी लगा सकते हो, मैं वो करूंगी क्योंकि 10 बार मैं खाना नहीं बनाती, एक ही काम निपटाती हूँ। खाने के बाद कितना कम हो गया और कैसा लगता है, इतना छोटा छोटा, कितना बड़ा बड़ा था। ये हो गया प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सब फ्राई कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। मस्त, देखो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, काली मिर्च, सब मिला दूंगी। और ये है मेरा लंच, मास चावल और सैलेड, और ये इसका फ्राई।